इस मॉड्यूल के अंदर हम डायकॉटमस की के बारे में पढ़ेंगे कि डायकॉटमस की क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है की के बारे में हमने पढ़ा कि की एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो हमारी हेल्प करता है एनिमल्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए और हमने ये पढ़ा कि की को इस्तेमाल करने से पहले कुछ जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन जो कमेंट्स की फॉर्म के अंदर दी होती है की के फॉर्मेट के बारे में दी होती है उसको पढ़ना जरूरी है और की को इस्तेमाल करते हुए राइट right या जो करेक्ट चॉइस है उसको सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है अब डायकॉटम्स की क्या है डायकॉटमस की अगर हमारे पास जो करेक्टर्स के अंदर चॉइस है उसके अंदर सिर्फ दो ऑल्टरनेटिव हैं तो ऐसी की डायकॉटमस की कहलाती है डाकोटमस की बेसिकली एक डिवाइस है जो टेक्सोनिस्ट की हेल्प करती है टू आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिजम्स एट स्पीशीज लेवल एट जीनस लेवल एंड एट फैमिली लेवल अब जो डायकोटमस की है ये सबसे ज्यादा कॉमन टाइप्स ऑफ की है जिसको टेक्सोनिस्ट इस्तेमाल करते हैं और सबसे पहले जो डायकॉटमस की का इस्तेमाल था वो जैन बी लामार्क ने 1778 के अंदर किया तो जो डायकॉटमस की है डायकॉटमस की सबसे पॉपुलर की जो कि जेन्स बैटसन लमार्क ने 1778 के अंदर इस्तेमाल की और इसके अंदर दो चॉइसेस होती हैं दो अल्टरनेटिव्स होते हैं हर करेक्टर के लिए जो है अब जो डायकॉटमस की है इट कंजिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ पेयर्ड स्टेटमेंट्स। ये जो पेयर्ड स्टेटमेंट्स हैं इनको कॉपलेट्स कहा जाता है एक जो डायकोटमिक्स की है इसके अंदर जो पेर्ड स्टेटमेंट्स हैं, पेयर्ड स्टेटमेंट्स को हम कॉपलेट कहते हैं और जो हर कॉपलेट है उसके अंदर स्टेटमेंट्स होती हैं ये जो कॉपलेट्स के अंदर यानी एक जोड़ा जो है इस जोड़े के अंदर जो हर स्टेटमेंट है उसको हम लीड कहते हैं यानी जो डायकोटम की है की के अंदर एक जो है, जो के एक जो जो है है सीरीज़ स्टेटमेंट्स का और ये जो सीरीज है इसके अंदर दो स्टेटमेंट्स होती हैं जो पेयर है उसको हम कॉपलेट कहते हैं और इस पेयर के अंदर जो हर स्टेटमेंट है उसको लीड कहते हैं और ये जो लीड स्टेटमेंट होती है ये आपस में क्या होती है ये आपस में मुतजाद होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एक स्टेटमेंट ये है कि आइज आर प्रेजेंट तो दूसरी उसकी जो ऑल्टरनेटिव क्या है आइज आर एबसेंट अब जब हमने एक की का इस्तेमाल करना है तो इसके अंदर सबसे पहले जो कॉपलेट हमने यूज करना है उसमें से हमने उस स्टेटमेंट को क्योंकि हमने कहा कि ये जो कॉपलेट है कॉपलेट एक जोड़ा है एक स्टेटमेंट का जोड़ा अब इस स्टेटमेंट के जोड़े के अंदर दो लीड्स होते हैं यानी ये दो स्टेटमेंट्स हैं इन दोनों स्टेटमेंट में से हमने उस स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है जो कि हमारे ऑर्गेनिज्म के मुताबिक बेस्ट सूट करती हो उसके बाद आमतौर पर जब हम कॉपलेट्स के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं उनको देखें तो ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये ब्रॉड जो है स्टेटमेंट से स्टार्ट होती हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो है ये नैरो तो, हमारे पास सिर्फ एक ही चॉइस बच जाती है अगर आप तस्वीर के अंदर देखें तो इसमें जो पहला कॉपलेट है यानी पहला जो पेयर है स्टेटमेंट्स का उसमें जो पहला जो लीड है वो है सीड्स राउंड अगर सीड राउंड हैं, तो इसका मतलब है ये सोयाबीन के सीड्स हैं और अगर हमारे जो सीड्स हैं वो राउंड ना हो तो फिर हम इसकी जो दूसरी स्टेटमेंट है उसको फॉलो करेंगे जिसके अंदर सीड्स ऑबलोंग और अगर सीड ऑबलोंग है तो ये हमें बता रहा है कि हम नेक्स्ट जो कॉपलेट है जो कॉपलेट नंबर टू है उसके ऊपर मूव करें और कॉपलेट नंबर टू जो है उसके अंदर अगेन दो लीड्स हैं उसमें से पहली जो लीड है सीड्स वाइट अगर सीड्स वाइट है तो बीन और अगर सीड्स ब्लैक हैं तो ये ब्लैक बीन तो जो डायकॉटमस की है डायकॉटमस की के अंदर जो स्टेटमेंट्स होती हैं ये पेयर की फॉर्म के अंदर होती हैं ये जो पेयर स्टेटमेंट है इनको हम कॉपलेट कहते हैं और ये जो कॉपलेट है हर कॉपलेट के अंदर दो स्टेटमेंट है ये दो स्टेटमेंट जो होती हैं इनको हम लीड्स कहते हैं उसके बाद अगर हम एक की के अंदर जो कॉपलेट है कौपलेट के अंदर जो लीड्स दी गई हैं उसमें से करेक्ट लीड का इस्तेमाल करते रहें हर स्टेप के ऊपर और ऐसा आहिस्ता हम नेक्स्ट स्टेप के ऊपर बढ़ते रहें तो उसका नतीजा क्या होगा उसका नतीजा ये होगा कि हम अल्टीमेटली अपना जो स्पेसिमैन है जो कि एक अननोन स्पेसिमैन है उसको लेवल तक आइडेंटिफाई कर सकेंगे और अगर हमने कोई मिस्टेक की यानी जब कॉपलेट में से जो हमने स्टेटमेंट जो सिलेक्ट की जिसको हमने लीड कहा अगर वो लीड हमारे स्पेसिमन से मुताबकत नहीं रखती उसके बावजूद हमने उसको सिलेक्ट कर लिया तो अल्टीमेटली नतीजा क्या होगा कि जो हमारी आइडेंटिफिकेशन होगी वो आइडेंटिफिकेशन बिल्कुल गलत होगी और इस तरीके से हम अपने स्पेसिमन को प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे